नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम पे पेट्रोल और डीजल के रेट जो बढ़ रहे हैं ना जिस स्पीड से, उस स्पीड से हम सबको लगता है कि एक सीएनजी गाड़ी लेनी चाहिए। लेकिन सीएनजी में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सीएनजी में जो पीछे का टैंक होता है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से जिसको बूट की ज़रूरत होती है ना, वो बूट यूज़ नहीं कर पाता, या फिर सीएनजी चाहिए तो फिर बूट आपको गंवाना पड़ेगा या फिर ऊपर कैरियर लगवाना पड़ेगा। लेकिन ये जो गाड़ी बलिनो है, ये प्रतीक की गाड़ी है, और इस गाड़ी में स्पेशल ये है कि इसमें बूट भी है लेकिन जो इसका रनिंग कॉस्ट है। तो प्रतीक, इस गाड़ी का, ये पेट्रोल गाड़ी है ना? हाँ, ये पेट्रोल गाड़ी है। तो इसका पहले कितना कॉस्ट पड़ता था? पहले इसका पड़ता था 6.5 से 7 रुपीस पर किलोमीटर। और अभी कितना पड़ रहा है? और अभी इसको खींच के हम लिया है 3.5, 3 और 3.5 के बीच में, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें सीएनजी हमने लगवाया नहीं है। सीएनजी लगवाया है। इसकी डिक्की में जगह है? जगह पूरी है। तो आपने क्या ऐसा किया है कि इसके अंदर इतना एफिशिएंटली जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो गया और आपको जगह भी है? एक बार बताना मुझे क्या किया है। नहीं बताना नहीं, दिखा दो। दिखा ही देते हैं डायरेक्टली। तो मैंने इनसे बात की थी, तो मैं इनसे, मतलब प्रतीक आप जानते होंगे कि हमारी टीम का एक बंदा है, MMG को मार्केटिंग टीम है। यहाँ पर देखिए, ये डिक्की पूरी पूरी खाली पड़ी, मतलब सामान रखा हुआ है हमारा जो हमें लेना था। हम वैसे हम दिल्ली जा रहे थे, वहाँ पर BMW का शूट करने के लिए, तो बीच में प्रतीक ने ऐसे बताया कि ऐसा कुछ किया हुआ है। ये ढूंढ रहा था, नहीं मिला। मिल गया, बिस्किट है, आगे रख ले, खाते चलेंगे। और ये है बलिनो का जो स्टेपनी किट है, वो ये बाहर इसलिए रखी हुई है, अभी आपको दिखाते हैं बाहर। आप देख सकते हो कि मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस हमारे पास है। हाँ। ऐसा नहीं कि हमने सीएनजी लगाने की वजह से ना, सीएनजी लगाएंगे तो यहाँ तक जो पूरा स्पेस है ना, पूरा खत्म हो जाएगा। अभी हमने टायर निकाल दिया है इसका, अभी आपको दिखाते हैं क्या जादू किया है इसके अंदर। जादू कुछ नहीं है। अरे जादू ही है भाई, पेट्रोल बचेगा तो आज ही। ये है देखो, ये है LPG किट, ये इतनी छोटी है कि इसके टायर की जगह पे आ जाती है, और ये इसका टैंक है LPG का। ये LPG का टैंक है, इसको जैसे अपन हम लोग ओपन करते हैं ना, तो इसमें सेफ्टी वॉल्स वगैरह है, और इसमें जो भी जितना भी हमने गैस भरी है ना, उसका लेवल वगैरह होता है जो कि ECU के थ्रू आगे रीडिंग करता है। ठीक है, तो अब इस टायर को वापस रख देते हैं, अब देखते हैं कितनी जगह बचती है इसके अंदर। तो अभी भी देखो, अगर आप सामान लेके जाना चाहो तो बड़े आराम से लेके जा सकते हो, लेकिन CNG में दिक्कत होती है कि कॉम्प्रोमाइज बहुत करना पड़ता है CNG के साथ, खासतौर अगर इससे छोटी गाड़ी हो उसमें तो CNG मतलब पूरा डिक्की ले लेगा। मतलब देखे जाए तो वो अभी आगे दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं आगे, क्योंकि ये RTO अप्रूव्ड है और RC के अंदर ये वो किया हुआ, हाइपोथिकेशन किया हुआ है कि ये LPG वाली गाड़ी है। तो यहाँ पर ये लगा बताएंगे। तो ये आपका गैसकेट का पाइप हो गया, जो ये टैंक से गैस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये यूनिट एज का किट हो गया, ये आपका फिल्टर है, और जो जितने सिलेंडर्स हैं ना, उन सिलेंडर्स में इनलेट है। उसके बाद इसका ECU यूनिट अलग होता है, जो ब्लू गैस वेरीफाई होता है, इसको हम सिक्वेंशियल किट बोलते हैं सारी को। ये अपना पेट्रोल में स्विच हो जाती है, जैसे गैस खत्म हो जाता है ना, पेट्रोल में स्विच हो जाएगी, पर पेट्रोल से गैस में करने के लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सिलेंडर में कितना किलोमीटर चलती है? एक अगर हम घर का जो 14 किलो का सिलेंडर है ना, उसके अंदर ये अराउंड 400-500 किलोमीटर निकाल देते हैं। 1. एक टैंक हो गया पूरा, एक पेट्रोल का टैंक पूरा हो गया, एक पेट्रोल का टैंक में ना 400-500 किलोमीटर। और ये कितना कितने का पड़ता है, ये क्या ये इसका कॉस्ट कितना पड़ता है, मतलब जो इंस्टॉलेशन का? अगर सीक्वेंशियल किट आप लगाते हो ना, तो 25,000 पड़ेगा। हाँ, और ये RTO अलग से पड़ेगा। अभी डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे RTO का कॉस्ट कितना है, जब अपनी RC कन्वर्ट कराओगे। सेकेंडली, अगर आप नॉन सीक्वेंशियल किट लगाते हो तो 15,000-20,000 का होगा। नॉन सीक्वेंशियल मतलब? नॉन सीक्वेंशियल में क्या होगा कि वो अपना आप स्विच नहीं करेगा। अच्छा, ECU नहीं लगेगा। और इसमें अपने आप करता है? इसमें अपना आप स्विच करता है। तो स्टार्टिंग किससे होता है गाड़ी जब चलती है, वो किससे होती है जब स्टार्ट होगी ना? हाँ। तो आप जैसे फर्स्ट गियर लगाओ तो ऑलवेज एंड ऑलवेज वो पेट्रोल में स्विच होगा। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली जब लंबा चलेगी गाड़ी तो ऑटोमेटिक LPG शिफ्ट हो जाएगी अपना? हाँ, अपना अगर पहले से आपने LPG में शिफ्ट किया हुआ है, हाँ, तो थोड़ी देर पेट्रोल में चलती है, तब तक क्या करता है LPG का जो इंडिकेटर है ब्लिंक करता है, एक डेढ़ किलोमीटर के आसपास, जब तक इंजन हीटअप होता है ना, उसके बाद में वो अपना LPG में शिफ्ट कर जाता है। ठीक है। चलो एक बार चला के देखते हैं गाड़ी को। तो अभी हम चला के देखते हैं कि बलिनो के अंदर जो LPG किट लगाई गई है वो कैसे काम करती है। इसमें स्विच करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर है, यहाँ पर होता है इंडिकेटर है। अच्छा, एक बटन दबाना होता है, एक मिनट रुक मैं दिखाता हूँ।
ये बटन है, ये दबाएंगे तो स्विच हो जाता है अपने आप ही। चलो अभी नॉर्मल गाड़ी की तरह स्टार्ट हुई है, जैसे पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट होती है। पहला गियर लगाया, म्यूट दबाया और यहाँ पर अभी जो आपको आवाज आई एक, हाँ कट से आवाज आई, हाँ वो वॉल खोलने की है। अच्छा वॉल जो इसके सेफ्टी वॉल से ना, हाँ वो ओपन होने की आवाज है। तो उसमें मतलब क्या गैस अलाउ कर रही है? हाँ ओके ठीक है अभी तक, क्योंकि सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है ना बहुत। अभी तक नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परफॉर्मेंस का लैग नहीं हो रहा। जैसे बलिनो चलती है वैसे ही चल रही है, जैसे बलिनो पेट्रोल गाड़ी चलती है सेम वैसे चल रही है। और अभी ये गैस पे शिफ्ट हो चुकी है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। जी मतलब गैस है ना, हाँ। जी मतलब गैस, और गैस पे शिफ्ट हो गई, कोई भी एलपीजी की बदबू नहीं आ रही गाड़ी के अंदर। और ये लगभग कितना किलोमीटर चला चुका है इसको लगाने के बाद? इसको लगाने के बाद आइडिया किलोमीटर चल चुकी है। तो मतलब ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है, बट यही होती है जहाँ पर एलपीजी की सुविधा नहीं है, जहाँ पर एलपीजी का पेट्रोल पंप नहीं है, वहाँ पर ये दिक्कत महसूस हो सकती है कि आपको मेजरली हाईवेज पे नहीं होती, हाईवेज पे नहीं होती, पेट्रोल पंप नहीं होता, पेट्रोल पंप पे नहीं मिलेगा क्योंकि एलपीजी की सप्लाई नहीं होती शायद हाईवेज के ऊपर। सीएनजी का आपको मिल जाएगा, ऑल्दो ये आप सिटी टू सिटी फुल करा के चलो टैंक फिर। मैं एक टैंक में 600 किलोमीटर के आसपास चल रही है, तो बहुत बढ़िया बात है। और एक टैंक लगभग 1800 रुपए के आसपास का फिल होता है ना इसका? हाँ। नहीं इसका टैंक पूरा का पूरा फुल करते हैं तो हम 2200-2400 रुपए का, 2200-2400 रुपए। आज मैंने कल मैंने अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल फिल कराया था, वो कुछ 3600 के आसपास फिल हुआ था, मतलब 1500-1600 रुपए हर टैंक के ऊपर हम बचा रहे हैं और परफॉर्मेंस में कोई लैग नहीं है। तो मतलब काफी प्रैक्टिकल है। 25,000 का जो वो है ना जो अमाउंट हम पे करेंगे, वो 25 बार जब टैंक फुल करा लेंगे ना हम लोग, उसी में रिकवर हो जाएगा वो। आप एक अभी एक और ट्राई कर सकते हो, जैसे अभी इसको रोक के इसका जो पिकअप टॉर्क है वो एक बार पेट्रोल में देखो। अच्छा। फिर उसको एलपीजी में देखो। चलो एक बार ट्राई मारते हैं। तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि एलपीजी के ऊपर हमें पिकअप लेना है? हाँ हाँ ओके चलो वो भी ट्राई इनिशियली। अच्छा अभी रोक के रखो, बंद मत करो गाड़ी। अच्छा तो एलपीजी भी रहेगी? ओके ऐसा भी है, चलो ठीक है वो ट्राई करते हैं। वो स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट डे का स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हो ना, चलो हमने तो ही स्टार्ट किया 1 2 3 4000 आरपीएम तक पहुंच गया है। थर्ड क्यों मार दिया डायरेक्ट? क्यों सेकंड तो मारना था, कोई नहीं थर्ड पे टर्बो, टर्बो नहीं आएगा आपका, टर्बो अभी 2000 आरपीएम के ऊपर आएगा। इंजन लाइट दिखा रहा है इसमें? हाँ मैं वो बताऊंगा आपको क्या दिक्कत है। इंजन लाइट में बैटरी का ही पंगा है, बैटरी का पंगा है। हाँ अगर एलपीजी किट लगाते हो एक्सटर्नल आप तो बैटरी वार्निंग देगा। चलो ठीक। और उसका नुकसान ये बेलेनो में ही क्या है कि आपको गियर इंडिकेटर नहीं दिखाई देगा और एक येलो लाइट जलेगी हमेशा, हमेशा चलती रहेगी। तो अभी गैस पे हम भगा रहे गाड़ी, वाह 80 की स्पीड पे हम चल रहे हैं आराम से, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि हम कोई गैस वाली गाड़ी चला रहे हैं या फिर कोई अभी अंडर पावर्ड गाड़ी। अभी हमने 100 तक टेस्ट किया, अभी अभी इसको पेट्रोल पर स्विच करके टेस्ट करते हैं। पेट्रोल में करने के लिए बटन दबाना बस करना। रुको रोक के बटन दबा दो, चल चलते बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो पेट्रोल पे हमने शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पर दिखा दो, दिखा दे तो पेट्रोल पे शिफ्ट कर दिया है, ये देखो पेट्रोल पे पी। ठीक है अब पहला गियर लगाएंगे, 1 2 3 मेरे को तो एलपीजी में ज्यादा पावर लगी ना, लगी ना क्योंकि उस टाइम उसने टायर स्किड भी मारा, इसमें तो कुछ भी नहीं मारा। आपने वो रेव नहीं किया ना आरपीएम? सर फिर वो ट्राई करता हूँ क्योंकि एलपीजी में को ज्यादा पावर लगी। आरपीएम आरपीएम 2000 तक तो रेव करो, उसके बाद पिकअप लो, लेग व्हील स्पिन देगा। तो फिर से ट्राई करते कोई बाइक वाइक आ रही है। पावर में कोई कमी नहीं है भाई, पावर में कोई कमी नहीं है, टॉर्क और पावर में कोई कमी नहीं है। अच्छा सेकंड गियर पे भी व्हील स्पिन मारती है, मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे? हाँ चलते चलते भी मार देगी, चलते चलते फर्स्ट के एक, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पे व्हील स्पिन करता है टॉर्क इसका, फिर सेकंड पे भी अगर आप एक्स्ट्रा आरपीएम लेके उठाओगे ना सेकंड पे भी व्हील स्पिन मारेगी। अच्छा ये पेट्रोल की या एलपीजी की? पेट्रोल की मारेगी, एलपीजी में मैंने ट्राई नहीं किया, पेट्रोल में मारती मारती। चलो बढ़िया है, मेरे को तो मजा आया चलाने में। मैं सोच रहा हूं अपनी गाड़ी के अंदर लगाऊं, बट वो पठानकोट में जहाँ पेट्रोल पंप है वो फ्यूल क्या बोलते हो एलपीजी वाला पंप है नहीं, तो वहाँ पर लगाता नहीं है कोई, जयपुर में है तो लगाना है बंदा, देखते हैं। एलपीजी के अंदर अगर आप जैसे बाहर से एलपीजी लगवाते हो तो ऑब्वियसली बात है कि कोई ना फॉल्ट होंगे जो कि आपको एक्सपीरियंस करोगे जब आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे। एक आपको फिल्टर रेगुलरली चेक कराना है ताकि उसमें कचरा ना, हमेशा फिल्टर चेक कराना है।
हर 3-4 महीने में फिल्टर चेक कराना, बहुत नॉमिनल कॉस्ट आती है, हो सकता है वो आपके उसकी कॉस्ट ले भी ना 1-1.5 साल तक, तो वो वैसी कॉस्ट, वो वैसा कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है उसको आपको रेगुलरली करना, क्योंकि गैस के साथ ना कचरा आता है जो कि आगे इंजन बे के अंदर जो फिल्टर्स लगे हैं वो जैम हो जाते हैं, उस वजह से गैस का इनलेट और आउटलेट ना ईजी नहीं होता है, और जब ईजी नहीं होता है तो इंजन स्ट्रगल करता है चलने के लिए, तो उस कंडीशन में आप क्या फेस करोगे जब आप नॉर्मली खड़े होगे एसी ऑन करके, तो जनरली इंडियन कार्स में क्या सब में आरपीएम इंक्रीज होता है जब एसी चाहिए होता है कार को, खड़ी खड़ी गाड़ी में उस कंडीशन में वो कार शिवर करती है, शिवर करती है ना गाड़ियाँ, ऐसे हल्की सी शिवर करेगी बहुत, और ड्राइवर को ही फील होगा, पैसेंजर्स को फील नहीं होगा, सिर्फ ड्राइवर को ही फील होगा कि एक्चुअल में कहाँ ये गाड़ी शिवर कर रही है। सेकेंडली एलपीजी एक ठंडी गैस है, बहुत ठंडी गैस है, तो पहाड़ों में चलाते हैं ना जहाँ स्नो वेदर है या फिर बहुत माइनस टेम्परेचर है, तो उस कंडीशन में गैस का हो सकता है आपको आपके इंजन को गैस सफिशेंटली ना मिले, जम जाए टैंक में, जम जाए तो। और सीक्वेंशियल किट में मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सीक्वेंशियल किट की जो रीडिंग की इन्फॉर्मेशन है कि कितना मेरे पास गैस पड़ा है, कितना गैस बाकी है गाड़ी में, वो इन थोड़ा सा करेक्शन है उसमें, एरर है, सही नहीं बताता। हाँ सही नहीं बताता। अभी जैसे मेरी गाड़ी का अकॉर्डिंग टू द मीटर रेड हो गया, मतलब रिजर्व में चल रहा है, पर इस कार में स्टिल इतना गैस है, अभी भराने जाऊंगा ना तो मेरा 2400 पे टैंक पूरा होता है, गैस भरी जाएगी 1200-1500 की। अच्छा, इसका मतलब आधी गैस पड़ी है तब भी आपका मीटर ये बता रहा है कि खत्म हो गया ये तो। और सीक्वेंशियल किट क्या करता है, अगर रीडिंग गलत आ रही है तो ईसीयू ये रीड करेगा भाई खत्म हो गया, पेट्रोल पे स्विच कर देगा। एक्चुअल में तो आपके टैंक में गैस है पर वो पेट्रोल में स्विच कर देगा 5-6 बीप देके, क्योंकि जब जब पेट्रोल में शिफ्ट करना होता है ना तो ये बीप देना शुरू कर देता है, जोर जोर से बीप करना शुरू कर देगा, वो बीप करेगा, उसके बाद आप मैन्युअली क्या तो फिंगर से कर दो या वो ऑटोमेटिकली, उसके बाद जब आप 5-10 किलोमीटर चल लो पेट्रोल के अंदर तो उसके बाद आप वापस स्विच करोगे उस टाइम हो जाएगी। तो आपको 5 किलोमीटर पहले तो ये दिखाया कि आपकी एलपीजी खत्म होगी, आगे जाके बोल रहे हैं एलपीजी आ गई, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो कि ओवरकम कर सकते हैं, और आप अगर यार 7 रुपये की जगह 3 रुपये में चल रहे हो पर किलोमीटर तो इतनी प्रॉब्लम तो आप वो कर सकते हो। एक और ड्रॉबैक है, एलपीजी और सीएनजी पे गाड़ी की एवरेज गिरती है, ये मत सोचना कि आपकी प्राइस आपकी बस डिफरेंस वहाँ आ रहा है कि एलपीजी का कॉस्ट कम है, एक 100 रुपए की जगह आप 63-65 रुपीज़ पर, एवरेज कितनी कम होती है, एवरेज घट जाती है 15-14 रुपए, अगर 20 दे रही है गाड़ी एवरेज, 5 की एवरेज कम हो रही है, 5 की अब जैसे 15 की आ रही है वो क्या करे, 15 की 12-13 पे ऐसे से तो मतलब 30% तक कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा अपना, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ी एवरेज भी कम होगी, दोनों कम होते हैं। ओके, पर स्टिल ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली है, काफी पॉकेट फ्रेंडली, अगर आपकी गाड़ी जैसे मेरी गाड़ी हमारी तो बहुत रनिंग रहती है इसकी, इस वजह से इसको करवाना पड़ेगा, अदरवाइज इतना नेसेसरी भी नहीं है, अगर आपको इंजन के साथ थोड़ा सा भी वो रखना है कि आप प्योर पेट्रोल रखना है, प्लस अगर आप बहुत लॉन्ग रूट पर जा रहे हो ना और आपको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को एलपीजी चाहिए कि पेट्रोल चाहिए, तो आप ये सोचो ना आपको 1000+ किलोमीटर्स की वन रन मिल रही है विदाउट रिफ्यूलिंग। हाँ ये भी है, पेट्रोल और अगर एलपीजी दोनों मिलाए तो 1000 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी, आप गो यू कैन गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन ऑन अ ट्रिप ऐसा। ये कुछ कुछ छोटे मोटे ड्रॉबैक्स और प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो उनको कंसिडर करके ही आप अपनी ना इस चीज़ का डिसीजन लें कि भाई आपको एलपीजी करानी है कि सीएनजी करानी है। भले ना मैं सीएनजी का क्या प्रॉब्लम था, एक तो सिलेंडर का जो शेप था ना, ऐसा नहीं कि जगह नहीं थी, सिलेंडर का जो शेप था वो स्टेपनी और स्टेपनी के जो ये लोग जनरली क्या करते हैं आधी स्टेपनी के ऊपर लगाते हैं, जो स्टेपनी का जो नीचे केज होता है ना उस केज के आधे में जैक लगा के ताकि टायर निकल जाए, सीएनजी का सिलेंडर लगा ताकि टायर हम खींच सके, पर इसका डिजाइन ऐसा है डिग्गी का बूथ स्पेस का डिजाइन ऐसा है कि निकल नहीं पाते टायर, निकल नहीं पाते, प्लस टायर को खड़ा करके भी रख नहीं सकते, तो आपके टायर का बीच पीछे पैसेंजर के पास रखोगे, एक वो रीजन था। दूसरा इसका सस्पेंशन गिर जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 60-70 किलो का सिलेंडर का वेट है, तो उसके बाद आप 20-30 किलो का गैस डलवाओगे तो कितना वेट हो जाएगा, उसके बाद सस्पेंशन डाउन होगा। अब एक इंसान का अगर वेट देखे ना, एक इंसान का वेट देखे 80-90 किलो, दैट इज लाइव वेट, पर अगर कोई 80 किलो का पत्थर रख दे या 80 किलो का लोहा रख दे वो डेड वेट आ जाता है, डेड वेट का सस्पेंशन पे ज्यादा फर्क पड़ता है, तोड़ भी सकता है उसको अगर बहुत जंप ऐसे रोड जंप करवा दिया गाड़ी को, तो उसके लिए उन्होंने फिर ये सजेस्ट किया कि हाँ वो ट्रक वाले नहीं आते सस्पेंशन लीफ स्प्रिंग, हाँ लीफ स्प्रिंग्स होती हैं वो लगा, लीफ स्प्रिंग्स लगाओ। मैंने बोला यार 50,000 रुपए उसमें खर्च करो लीफ स्प्रिंग्स लगाओ, मेरे तो गाड़ी का एक तमाशा निकल गया, सर्कस बन गया।
तो इसलिए फिर CNG को अवॉइड ही कर दिया। और जैसे हम चल रहे हैं रोड के ऊपर, अभी हम फिलहाल गुड़गांव जा रहे हैं, तो गुड़गांव मतलब रास्ते में हमको एक और ड्रॉबैक समझ में आया, तो जैसे आप एक ECU होगा ना, एक एक्स्ट्रा ECU लगाओगे गैस का, जो कि सिक्वेंशियल किट कहलाती है, उसके बाद यहाँ इंजन बेल या इंजन लाइट में दिखाता है कि ये आपकी लाइट जलती रहेगी येलो वाली। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं उस LPG वाले को पता नहीं था कि बैलेनो में ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने उसको जाके दिखाया भाई ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। मुझे बोलता है कि आप सर्विस सेंटर जाओ, वहाँ दिखा के लाओ। सर्विस सेंटर पर जैसे ही गया वो बोलता, मैंने उसको बताया नहीं कि LPG लगवाया मैंने, तो मैंने उसको बोला सर ऐसे ऐसे मेरे को येलो लाइट आ रहा है, इसको क्लेरिफाई करो, और साथ में गेयर का इंडिकेशन भी नहीं आ रहा है। तो मैंने पर इसको यही बोला कि येलो लाइट आ रही, गेयर का इंडिकेशन नहीं बताया मैंने। तो उसने येलो लाइट समझते बोला आपने LPG लगवाया, मैं बोला हाँ, फिर बोलते फिर तो गेयर लाइट भी नहीं आ रही होगी, मैंने नहीं आ रही, ठीक है, तो बोलता है आएगी भी नहीं, गियर इंडिकेटर नहीं आएगा, प्लस जो आपका एवरेज दिखाता है ना कि MPL कितना आ रहा है, किलोमीटर पर लीटर कितना आ रहा है, वो भी करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो पेट्रोल के हिसाब से है, और ECU के साथ थोड़ा सा अगर फॉरेन एक्टिविटीज़ करोगे तो अल्टीमेटली, तो ये सब चीज़ें सैक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। अगर आप इन सब चीज़ें रेडी हो ना तो कोई वारंटी के बाद ही करानी चाहिए, ये वारंटी के बाद ही करो, वारंटी वॉइड हो जाएगी ना इसकी अगर ऐसा कुछ छेड़छाड़ कराते हैं तो। वारंटी वॉइड तो मेरे हिसाब से आइडिया नहीं है उसका, क्योंकि RC पे तो रजिस्टर्ड हो गई है, हाँ, कि पेट्रोल ऑब्लिक LPG ऑफिशियल हो गया, हाँ, हाँ। इंश्योरेंस भी हो गया इसका, अच्छा, कि LPG कवर कर गया ना, अदरवाइज कोई भी मिसाब हो सकता है। चलो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालना, और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो MMG के इंस्टाग्राम पूछ लेना हमसे डायरेक्टली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रतीक को भी बाय बोलिए, मुझे बाय बोलिए, और अभी हम जा रहे हैं BMW की डिलीवरी वाली वीडियो के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय। अभी यहीं पे खत्म करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं बैक एंड से, प्लीज सब्सक्राइब किया करो। जब इतना वीडियो देख लिया मतलब, हाँ इतना तो देख लिया तो इतना सब्सक्राइब करना बनता है, वो फ्री है यार, कौन सा पैसा लगे, हाँ फ्री आपको ज्ञान मिल रहा है, ले लो यार, अच्छा लगे तो ले लो, नहीं लगे तो फिर नीचे कमेंट करके लिख दो नहीं अच्छा लगा, डिसलाइक भी दबा सकते हो, हम पहले चैनल है जो बोल रहे हैं डिसलाइक दबाओ अगर आपको बुरा लग रहा है, और नीचे लिखो क्यों बुरा लग रहा है, हाँ क्यों बुरा लग रहा है वो बता दो, तभी सुधरेंगे, तभी सुधरेंगे, वरना हम सुधरने वाले नहीं है, सुधरने वाला है ही नहीं।